छात्र संघ चुनावों की बहाली के लिए छात्र संगठनों ने मांग तेज कर दी है और इसी के चलते हमीदपुर डिग्री कॉलेज गेट पर SFI संगठन ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर SFI इकाई अध्यक्ष आदेश कुमार की अगुवाई में कॉलेज गेट के बाहर धरना प्रदर्शन करके छात्र संघ चुनावों की बहाली के लिए मांग की गई। साथ ही छात्र संगठन ने चेताया कि अगर जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करती है तो छात्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। SFI हमीरपुर कॉलेज इकाई अध्यक्ष आदेश कुमार ने कहा कि SFI छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि SC चुनावों की बहाली के लिए SFI संघर्ष कर रही है और जब तक चुनाव बहाल नहीं किए जाते हैं SFI संगठन इसी तरह प्रदर्शन करती रहेगी। पर हम ये जो धरना कर रहे हैं इसका मेन मकसद ये है कि SC इलेक्शन की बहाली हो, जिससे जो है कि जो छात्र और जो प्रशासन के बीच एक पुली बांधने का काम होता है SC इलेक्शन का पूरी तरीके से हो सके और छात्रों के मुद्दे के लिए जो भी हमारे बीच में जो हमारे नेतृत्व करने के लिए जो भी किसी संगठन का विशेष किसी का भी जो हमारा प्रतिनिधि निकलेगा वो हमारी मांगों को लेकर उस प्रशासन तक जाए कि किसी भी मुद्दे को लेकर जो है छात्र को जो अपनी जो समस्याएं होती हैं वो रख सके। और अगर अभी तक ये छोटा धरना हमीरपुर कॉलेज में लगातार स्टेट कॉलेज में पूरा किया नहीं है क्योंकि हम देख रहे थे कि प्रशासन कुछ थोड़ा करेगा पर जिस तरीके से प्रशासन हमें लगता नहीं है इतनी जल्दी कर रहा है। हम चाहते हैं कि SC इलेक्शन जो है जल्द से जल्द हो और जल्द से जल्द इसकी डेट दी जाए कॉलेजों में और प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। ये इसमें जैसे कि पहले कई बार देखा गया इस कॉलेज की हिस्ट्री रही है कि छात्र चुनावों में धांधली धुंधली चलती है इस तरीके से जो है और जो लगातार जो छात्रों के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं आजकल देख रहे होने आप किसी कॉलेज में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है कहीं कुछ हो रहा है जो कि आपके SC इलेक्शन होंगे इससे जो है हम किसी प्रतिनिधि को लेके जाएंगे जिससे एक कमेटी का गठन भी होगा जिससे हम अपनी बात रख सकेंगे। और इतना कहना चाहूँगा मैं इंकलाब जिंदाबाद।